ये है दोस्तों वीवो का V29e। काफ़ी कुछ इसमें इंटरेस्टिंग है, बेस्ट लुक है, स्लिम डिजाइन है। इसके साथ साथ दोस्तों ये वीवो की V29 सीरीज का बजट फ्रेंडली फोन है। हालांकि ये कितना बजट में है या फिर नहीं है, ओवर प्राइस तो नहीं लॉन्च हुआ है। आगे इस वीडियो में आपको काफी कुछ बताने वाले हैं, काफी सारे यूनिक फीचर भी हैं इसमें जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेंगे। डिजाइन की बात करें तो आर्टिस्टिक लुक है, वन साइड से फिनिश है, वन साइड से पैटर्न है, दोनों ही साइड कवर्ड है, ग्लास बैक है, 7.5 mm स्लिम है और साथ में इन हैंड फील इसका अच्छा है, लाइट वेट भी है, 170 ग्राम के आसपास इसका वेट है। पोर्ट की बात करें तो सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन, टाइप सी, स्पीकर ग्रिल, राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर मिलेगा, अपर साइड ऊपर नॉइस कैंसलिंग माइक है, साइड आपको ऑन ऑफ बटन देखने मिलता है। हाइब्रिड सिम ट्रे है, इसका मतलब इसमें आप या तो दो सिम यूज कर सकते हैं या तो एक सिम एक एचडी कार्ड। डिस्प्ले की बात करें, ब्रेजल्स एंड चेन पतले हैं, इसका स्क्रीन एंड बॉडी रेशियो 93 है, 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है और 13 हर्ट्ज की ब्राइटनेस है। ओवरऑल अगर आप इसे आउटडोर यूज करते हैं तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखने में फोन काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। बात करते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। स्नैपड्रैगन 695 6nm चिपसेट है, 8GB रैम है, 128 एंड 256 का आपको इसमें ऑप्शन देखने मिलता है। ये एक UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। अंतुतु स्कोर की बात करें तो 4 लाख के आसपास है। बात करते हैं आप परफॉर्मेंस, इसमें आप सिर्फ डिसेंट गेमिंग कर सकते हैं। अगर आप COD या फिर BGMI खेलते हैं तो नॉर्मल सेटिंग पर आपको 40 FPS तक मिल जाएंगे। इसमें जो चिपसेट दिया गया है वो 695 है और वो 15 से 20 हज़ार के फोन पर भी मिलता है। अब दोस्तों OS और UI की बात करते हैं। फनटच OS है, Android 13 पर बेस्ड है। इसमें आपको प्री इंस्टॉल ऐप मिलते हैं, हॉट ऐप्स ही मिलते हैं, हॉट गेम्स ही मिलते हैं, लेकिन आप इन्हें अनइंस्टॉल कर पाते हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात। सेंसर की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक भी है और इसमें जो ऑल सेंसर होने चाहिए वो सभी इसमें सेंसर भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। 5G है, 7 बैंड्स हैं, वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5.1 है, डुअल 4G वोल्टी है और भी इसमें आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। मल्टीमीडिया में बेस्ट कलर व्यूइंग एंगल काफी अच्छा है, इसमें आपको स्पीकर भी अच्छा मिलता है जिसकी साउंड क्वालिटी सही है। वाइड 1L1 का भी सपोर्ट है, इसलिए आप नेटफ्लिक्स पर HDR पर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो 64 MP का OIS कैमरा मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है रियर में। इस फोन में आपको बेस्ट पोर्ट्रेट, शार्पनेस एंड स्किन टोन फोटो आती है। साइड में अगर आप लो लाइट फोटो खींचते हैं तो भी काफी अच्छा निकल के आता है। 50 MP का आई ऑटो फोकस सेंसर दिया जाता है फ्रंट में, इसकी दोस्तों फोटो क्वालिटी काफी सही है, कलर वगैरह अच्छे आ जाते हैं। वीडियो की बात करते हैं, रियर से आप 1080p 16 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट से आप 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K का ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसका जो चिपसेट है वो 4K को सपोर्ट करता ही नहीं है। फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें सुपर मून मोड मिलता है जिससे अगर आप चांद की फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी फोटो निकल के आती है। सुपर स्लो मोशन है, डुअल मोड है, अगर आप फ्रंट एंड रियर कैमरा से एक साथ शूट करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी है जिससे दोस्तों अगर आप किसी वेडिंग में जाते हैं तो अच्छी पंची फोटो निकल के आते हैं। बाकी इसमें आपको ऑल मोड्स अवेलेबल हैं इस फोन में। कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपको क्या ये फोन लेना चाहिए। वीवो की इस सीरीज का ये जो फोन है ये भले ही बजट सीरीज में आता है लेकिन ये एक किसी गेमर के लिए फोन नहीं है। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तब आप इसमें सिर्फ डिसेंट गेमिंग कर पाएंगे। अगर आप लुक वाइज, कैमरा वाइज अगर आपको फोटो खींचना पसंद है तभी आप इस फोन को परचेस करें। और साथ में इसका जो प्राइस निकल गया है वो 27,000 रुपये के आसपास है और इसमें जो आपको चिपसेट देखने मिलता है वो 15 से 20 हज़ार के मोबाइल में भी आपको देखने को मिल जाता है आसानी से। ओवरऑल यही कहूंगा कि अगर आपको लुक एंड कैमरा चाहिए अच्छा तो आप वीवो V29 को चेक कर सकते हैं। ये थी छोटी सी वीडियो वीवो V29e पर। वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड हिट सब्सक्राइब। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।